लेट्स टॉक अबाउट लेयर्स। लेयर्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम ही बताता है, लेयर मतलब परतें, मतलब परतों में काम करना, एक डिफाइन सेट स्टैंडर्ड को सेट करना और उस सेट स्टैंडर्ड के साथ काम करना। जैसे कि अगर आप इस ड्राइंग को देखेंगे तो इस ड्राइंग में काफ़ी सारे रंग नज़र आ रहे हैं आपको, और ये सारे रंग इंडिकेट करते हैं कि ये अलग अलग परतों में बने हुए हैं। जैसे कि अगर आप लेयर की बात करें, अगर ये ड्राइंग है मेरे पास, अगर आप यहाँ देखें, दीज आर डायमेंशंस, और मैं इस समय ये चाहता हूँ कि मुझे ये डायमेंशंस नहीं चाहिए, तो अगर ये मैंने एक पेज या एक शीट पर काम किया हुआ है तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा कि ये सारी लेयर, ये सारी डायमेंशंस को मैं मिटा दूं। हाँ, अगर मेरे पास ऑटोकैड में मैं काम कर रहा हूँ और मैंने लेयर्स में इसको सेट किया है तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो आपको लेयर मेन्यू मिलेगा, तो जहाँ पे आप लेयर्स के साथ काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस शोज यू लेयर्स, मेरे पास काफ़ी सारी लेयर्स हैं इस ड्राइंग से रिलेटेड। नाउ जैसे कि मुझे ये डायमेंशन नहीं चाहिए जो लाल रंग में है, आई क्लिक ऑन, ये आपका टर्न ऑफ लेयर है, मैं इसे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, यू सी आई डोंट हैव द रेड कलर, दिस मेरे पास ये डायमेंशंस अब नहीं है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये नोट है, ये नोट जो हरे कलर में लिखा गया है, ये मुझे नोट भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ से लेयर में जाता हूँ और इस नोट की लेयर को भी टर्न ऑफ कर देता हूँ। लेट्स सी, दिस इज नाउ, सी दिस इज व्हाट आई एम हैविंग अ ड्राइंग राइट नाउ विद मी। नाउ अब ये ड्राइंग मेरे लिए रीड करनी थोड़ी और आसान हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें वापस आ जाएं, तो मैं इन लेयर को ऑन कर दूंगा। जैसे कि आप इधर जाते हैं और मैंने ये दो लेयर बंद की हुई है, ये वाली और एक डायमेंशन की। नाउ आई फाइंड ऑल दिस थिंग्स हियर। अब मैं चाहता हूँ इस ड्राइंग के अंदर ये जो चीज हैचिंग हुई हुई है, आई डोंट वांट टू सी दिस हैचिंग, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप जाएं हैचिंग में जाएं और इसको बंद कर दें। देखिए हैचिंग नहीं दिख रही है, एंड इफ यू वांट टू हैच एंड गेट बैक तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। सो बाय डूइंग दिस थिंग आप एक ड्राइंग को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे कि ये एक सेट स्टैंडर्ड के साथ काम हो रहा है, मतलब लेयर्स के पास अगर आप लेयर देखें तो लेयर में काफी सारी ऑप्शन आपको मिल जाती है, ये एक तरह का एक ग्रुप बन जाता है किसी भी चीज का। जैसे कि मैंने टेक्स्ट को एक ग्रुप में लिख लिया है, डायमेंशंस को एक ग्रुप में कर दिया है, हैचिंग एक ग्रुप में हो गई है। अगर मुझे सपोज चेंज करना पड़ जाए कुछ, जैसे टेक्स्ट है इनकी, इनका मुझे नोट साइज चेंज करना पड़ जाए, तो मैं एक डिफाइन प्रॉपरली एक लेयर को सिलेक्ट करके ये सारी चीजें आसानी से कर सकता हूँ। तो दैट इज, दिस इज द रीजन वी यूज लेयर्स इन ऑटोकैड, ताकि काम आसानी से किया जा सके, एक सेट स्टैंडर्ड के साथ काम किया जा सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम लेयर में क्या क्या कर सकते हैं और लेयर को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ऑटोकैड के अंदर। नाउ लेट्स सी हाउ वी वर्क विद द लेयर सेटिंग्स। अगर आप यहां पर मेन्यू में देखेंगे तो यहां पर आपके पास लेयर है। नाउ सी, आई गो फॉर लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर, आई क्लिक है, मैं यहाँ जैसे क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये आ जाए, समय बोल रहा है करंट लेयर जीरो। बाय डिफॉल्ट जब भी आप ऑटोकैड में देखेंगे यहाँ पर एक जीरो लेयर होगी आपकी, दैट जीरो लेयर शोज। अगर आप यहाँ, मैं इसको मेन्यू को अपना थोड़ा सा ड्रैग कर सकता हूँ, जहाँ पे रखना चाहें आप रख सकते हैं इसको, ड्रैगिंग इट हियर, आप इसको डिस्क्रिप्शन को जैसे मर्जी ड्रैग कर सकते हैं ऐसे करके। नाउ दिस शोज की मुझे अगर नई लेयर ऐड करनी है, आई कैन ऐड न्यू लेयर, दिस इज अ डिफॉल्ट लेयर जो कि जीरो लेयर है, राइट। इसके अंदर जो, अगर आप देखें यहाँ पे कलर सेटिंग्स हैं, आप इसको कलर दे सकते हैं, डिफॉल्ट लेयर है, आई जस्ट गो बाय दिस ओनली। लाइन टाइप बता रहा है कि लाइन टाइप इसमें कॉन्टिन्यूस है। नाउ इट्स हैविंग लाइन वेट ऑल्सो। तो ये सारी डिस्क्रिप्शंस है जो हमारे पास ऑलरेडी एक लेयर लेयर में होती हैं। मैं नई लेयर बनाना चाहता हूँ, आई एम मूविंग फॉर हेयर दिस न्यू लेयर। नाउ इस नई लेयर में आई वांट टू हैव अ डिफरेंट कलर, लेट्स से येलो, आई टेक इट येलो, एंड लाइन टाइप लेट इट बी कॉन्टिन्यूस ओनली। अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, डबल क्लिकिंग ऑन इट, आई कैन से इट इज सर्कल एंटर। नाउ मैं अगर एक और लेयर क्रिएट करना चाहता हूँ, आई एम क्रिएटिंग अनदर लेयर, जो पिछली लेयर की प्रॉपर्टीज थी वो इसको प्रोसेस कर लेगा। नाउ दिस टाइम आई एम मेकिंग रेक्टेंगल, आई गिव इट अ कलर ऑफ से रेड और दिस ओके। इस समय जो मैं इसका लाइन टाइप चेंज करना चाहता हूँ,
सो यू हैव, आप जैसे लाइन टाइप में चेंज करते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ चेंज कर सकते हैं. आई एम लोडिंग डिफरेंट लाइन्स, दीज आर ISO स्टैंडर्ड सेटिंग्स. सो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर ISO स्टैंडर्ड सेटिंग्स, दीज ये जो सेटिंग्स हैं ये बेसिकली मीटर यूनिट्स के लिए काउंट की जाती हैं. अगर आप दूसरी सेटिंग्स लेना चाहते हैं देन यू कैन टेक दिस. लेट्स से आई एम टेकिंग इट सेंटर. ओके, पिक अप दिस, पिक दिस एंड ओके. नाउ आप यहां देखेंगे तो जो मेंशन कर रहा है दिस इज सेंटर. नाउ सी बाय दिस वे यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ लेयर्स. नाउ आई एम गोइंग, ओके दिस इज माय सेट करंट लेयर. अगर मैं किसी और को लेयर करंट करना चाहता हूं आई कैन ऑलवेज क्लिक दिस. नाउ दिस इज माय करंट लेयर. आप यहां से इसको पुल डाउन भी कर सकते हैं, इसको बंद करना चाहे मेन्यू को आप यहां से बंद कर सकते हैं. तो अगर आप यहां देखें इस समय सर्कल जो है मेरी बाय डिफॉल्ट लेयर है और मैं जो भी काम करूंगा वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा. लेट्स सी, आई एम गोइंग फॉर दिस, आई एम क्रिएटिंग सर्कल. नाउ दिस इज दिस, इसी लेयर में काम हो रहा है. अब क्लिक करेंगे अगेन, आई एम क्रिएटिंग सर्कल. नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट रेक्टेंगल हेयर. मेरे पास रेक्टेंगल के लिए एक अलग लेयर है. नाउ आई एम चूजिंग हेयर रेक्टेंगल. यहां अगर आप ऑप्शन देखें प्रॉपर्टी मैनेजर में तो जो यहां हम यूज कर रहे हैं बाय लेयर ऑप्शन के साथ ही सारा कुछ चल रहा है. नाउ आई वांट टू क्रिएट रेक्टेंगल, आई एम गोइंग हियर. नाउ दिस इज रेक्टेंगल एंड अगर आप ध्यान से देखें इट्स कमिंग अप विद द जो लाइन टाइप है उसके साथ ही आ रहा है. नाउ व्हाट आई वांट कि आई वांट सम अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो. अगर मैं सर्कल बनाना चाहता हूं, अगर मैं जो भी चीज इसमें बनाऊंगा इस समय वो सारी की सारी आपकी इस प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर लाइन टाइप इस पर्टिकुलर लेयर में चली जाएंगी. नाउ सी दिस इज हाउ. नाउ मैं चाहता हूं कि मैं इसको टर्न ऑफ करूं तो आई कैन ऑलवेज टर्न ऑफ बाय क्लिकिंग दिस. ये मुझसे पूछ रहा है टर्न ऑफ करना चाहते हैं, आई सेड यस. तो सारा जो भी मैंने इस पर्टिकुलर लेयर में काम किया है वो सारा का सारा टर्न ऑफ हो गया. इसी तरह से जो भी आप किसी भी पर्टिकुलर लेयर में काम करेंगे वो क्रिएट हो जाएगा. नाउ सी आई एम जस्ट क्रिएटिंग, आई एम मेकिंग इट ऑन. ये ऑन हो गया. नाउ आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन और है लेयर के अंदर, दिस इज लॉक. इफ सपोज आई लॉक दिस, मैंने इस लेयर को लॉक कर दिया, अब थोड़ा सा डिम कलर हो जाता है यहाँ पे इसका. और अगर मैं सारे को सेलेक्ट करके ऐसे करता हूँ तो ये बेसिकली आप देखें ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है. अगर जैसे आप इसके थोड़ा सा माउस लेके आते हैं कि ये आपको शो करता है दिस इज लॉक्ड, कि ये सेलेक्ट ही नहीं होगा तो आप इसके साथ कोई और एक्टिविटीज नहीं कर सकते. नाउ मैं वापस जा रहा हूँ लेयर में एंड आई एम ओपनिंग द लॉक. नाउ आप इसके साथ जो करना चाहें वो कर सकते हैं. नाउ इसी तरह से अगर मैं सपोज मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो इफ आई एम आई नीड टू क्रिएट अनदर लेयर, मैं एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ. लेट्स से मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो जो भी मैं टेक्स्टिंग लिखूँ वो मेरी नई लेयर में हो. आई एम क्रिएटिंग हेयर, आई एम राइटिंग टेक्स्ट. तो जो भी मैं टेक्स्ट करूँ वो इस लेयर में हो. कलर चूज करना चाहता हूँ, इट विल बी ऑफ दिस कलर. ओके सो नाउ आई फाइंड कि जो मेरा टेक्स्ट है दिस विल बी इन, अगर आप देखें तो दिस इज माई टेक्स्ट प्रॉपर्टीज. अगर आप यहाँ लेयर मैनेजर में देखेंगे जाके तो दिस इज, बट यहाँ पे सेंटर लाइन दिखा रहा है बट आई डोंट नीड सेंटर लाइन, मुझे कुछ और चीज चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग इट कंटिन्यूअस. नाउ इफ आई वांट टू राइट एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट आई कैन ऑलवेज राइट. नाउ सी दिस टाइम मेरी जो लेयर चल रही है दिस इज रेक्टेंगल चल रही है बट आई डोंट नीड द रेक्टेंगल. तो आई एम मूविंग आउट ऑफ इट एंड आई एम चूजिंग द लेयर. मैं चूज कर रहा हूँ लेयर दैट इज आई एम चूजिंग टेक्स्ट. मेंशन लाइक नाउ कमांड टेक्स्ट इन हियर. अब मैं जो भी लिखना चाहूँ आई एम राइटिंग इट इन टेक्स्ट. सो दिस इज द लेयर वी हैव इन टेक्स्ट. नाउ जितने भी मेरे टेक्स्ट हैं वो सारे सारे इस कलर फाउंडेशन में आ जाएंगे. अब नाउ आपके पास एक ऑप्शन और है कि अगर जैसे कि ये मेरी इस समय अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ दिस इज अ रेक्टेंगुलर मेरी जो लेयर है दिस इज रेक्टेंगुलर. मैं ये चाहता हूँ कि ये सर्कल है एक्चुअली तो ये सर्कुलर लेयर में ही आए. व्हाट आई कैन डू, आई कैन पिक दिस एंड आई कैन गो इन सर्कल. सो दिस इज हाउ आई एम चेंजिंग द लेयर. आई पिक दिस एंड आई मूव्ड इन सर्कल. तो अब आप देखेंगे तो दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ सर्कल. और अगर मैं सपोज किसी चीज को मैच करवाना चाहता हूँ, जैसे ये टेक्स्ट है इस समय जो मेरी करंट लेयर चल रही है वो टेक्स्ट है. अगर आप कोई और लेयर लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से पिक कर सकते हैं, या आप जीरो लेयर में जाना चाहते हैं आप जीरो में जा सकते हैं. नाउ आई एम चूजिंग जीरो लेयर. अगर आप यहाँ देखिए दिस इज जीरो लेयर. अब मैं जो भी करूंगा दैट इज कमिंग इन अंडर अ जीरो लेयर. लेट्स सी दिस इज
एंड अनदर रेक्टेंगल। मैं ही चाहता हूँ कि मेरा ये रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर लेयर ले ले और ये सर्कल सर्कुलर ले ले। व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट पिक अप दिस एंड मूविंग इन रेक्टेंगल। सो इट्स हैविंग नाउ रेक्टेंगुलर लेयर प्रॉपर्टीज। नाउ आई वॉन्ट दी सर्कल टू बी सर्कुलर। मेरे पास एक ऑप्शन और है, I can choose circle, मैं सर्कल ले लेता हूँ। नाउ आई एम हैविंग, यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी है मैच, आई वॉन्ट टू मैच दिस प्रॉपर्टी। और करना चाहते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों सर्कल सेलेक्ट कर लिए मैंने, एंटर। नाउ सी, मेरे को मैंने ये प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच करवा दी हैं बाय यूजिंग मैच ऑप्शन यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके पास यहाँ ऑप्शन शो करता है बाय लेयर, तो मतलब जो भी आपका काम हो रहा है वो बाय लेयर हो रहा है। हाँ, मैं किसी पर्टिकुलर लेयर के ऊपर अलग प्रॉपर्टीज भी इम्पोज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर सर्कल को कलर और दे देता हूँ, लेट्स से ग्रीन। मगर आप अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर मैं इसको सर्कल पिक करता हूँ, तो ये लेयर आपको शो कर रहा है कि सर्कुलर ही है, जो कि जो कलर है इसका येलो है, बट व्हेन आई पिक दिस इट शोज द कलर इज ग्रीन। तो दिस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली इम्पोज्ड ऑन इट, ये इसके ऊपर जबरदस्ती थोपी गई है। नाउ अगर आप ऐसा करेंगे तो बाद में आपको चेंजेस करने में दिक्कत होगी, तो आई सजेस्ट कभी भी आप ऐसी प्रॉपर्टीज चेंज ना करें, क्योंकि आपको ये आगे चल के दिक्कत ही देंगी। तो यूज बाय लेयर ऑप्शन ओनली। नाउ दिस इज हाउ वी वर्क विद लेयर्स इन ऑटोकैड।